हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे भी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी का 1 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं जीके साइंस मैथ रीजनिंग के, वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। रीजनिंग के पहले टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चंस तो बहुत ही कम मिल पा रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रियल हैं। तो आप वीडियो को देखिएगा भी और शेयर भी करिएगा, ठीक है। यहाँ पर रीजनिंग की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो लगातार आपके, देखिए 4 से 5 तो सबसे कम क्वेश्चन की क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है। नहीं, यहाँ से पूछे जा रहे हैं 6 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इस लोग से भी आपका एक क्वेश्चन था, एनालॉगी से एक क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था आपका, बड़ा ही सिंपल सा था। और क्लोक से भी आपका एक क्वेश्चन था, वाटर इमेज से एक क्वेश्चन था, ओड वन आउट से एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से आपके 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन की जितने भी मिले हैं। तो वेन डायग्राम तो आपका बहुत ही आसान पूछा जा रहा है जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चंस मिल पाते हैं वो सारे इजी मिल पाते हैं, क्योंकि जो बच्चा बता पाता है इजी क्वेश्चन को बता पाता है, जितने भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो उनको कह देता है कि या तो मैं छोड़ के आया हूँ या फिर मेरे याद नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका पेपर का जो लेवल है वो इतना भी आसान नहीं है जितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अब आप बोलेंगे तो मैं एनालिसिस को बंद करके आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूँगा अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। क्योंकि अब मुझे एनालिसिस से थोड़ा सा ये समझिए कि क्वेश्चंस भी नहीं मिल पा रहे हैं, और क्वेश्चन मिलते भी हैं तो बहुत ईजी मिलते हैं, तो एनालिसिस मेरे को लगता नहीं कि आपके लिए इतनी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे वेन डायग्राम का देखिए क्वेश्चन था कि किताबें बर्तन और मकान, तो किताबें बर्तन और मकान सारी चीज़ें अलग अलग होती है, तो कुछ इस तरीके का वेन डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका सीरीज से, सीरीज कंप्लीट करनी थी यहाँ पे, जो खाली स्थान है इसको भरना था कि 2, 7, 14, 23, और नेक्स्ट आपको बताना था यहाँ पे 23 के बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट था आपका 47। तो इसमें आपको क्या करना था, +5, ठीक है, +5, +7, +9, ठीक है, +11, +13, इस तरीके से मतलब आपको दो दो बढ़ाते हुए जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अगर पीछे देखें तो इनमें भी दो दो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे 34 आ जाएगा, 23 में प्लस करेंगे 11, तो 34 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कोई भी एनालिसिस कर रहा है ना, कोई भी यूट्यूब पे, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी एनालिसिस अपनी रियल नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये तो सारे आए हुए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो लाने स्टार्ट कर दूंगा, एनालिसिस को बंद कर दूंगा, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा फायदा आपको लगेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे सभी पुस्तकें पेन है, ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, सभी पुस्तकें पेन है, कोई भी पेन टेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन था आपका, तो सभी के सभी जो पुस्तकें आपकी वो पेन हो जाएगी, ठीक है, कोई भी पेन टेबल नहीं है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन था। तो पेन और टेबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ये बताया जा रहा है। फिर इसमें आपकी जो कंक्लूजन थे वो क्या थे, निष्कर्ष, सभी पेन पुस्तकें हैं, तो सभी के सभी पेन तो पुस्तकें नहीं हो सकती, क्योंकि पेन के ऊपर को अगर आपका पुस्तक का डायग्राम आएगा तो तब जाके होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया कोई भी पुस्तक टेबल नहीं है, तो आपकी जो पुस्तक है वो इसके अंदर है, ठीक है, अगर पेन के साथ में टेबल का कोई रिलेशन नहीं है तो पुस्तक के साथ भी नहीं होगा, बिकॉज ये इसके अंदर है और ये कम्प्लीटली इसने कवर कर रखा है, तो जब इसके बाहर वाले के साथ में रिलेशन नहीं है तो इसके तो साथ में कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका देखिए कोडिंग डिकोडिंग से बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था कि रीजन को अगर यहाँ पे SFBTPO लिखा जाता है तो थिंक को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा गया है, जैसे R का नेक्स्ट क्या होगा S, E का नेक्स्ट क्या होगा F, और A का नेक्स्ट क्या होगा B, S का नेक्स्ट क्या होगा T, O का नेक्स्ट क्या होगा P, और N का नेक्स्ट आपका हो जाएगा O, ठीक है। इसी तरीके से आप थिंक का करेंगे, T का आपका नेक्स्ट हो जाएगा U, H का आपका हो जाएगा I, I का आपका हो जाएगा J, और N का आपका हो जाएगा O, और K का आपका हो जाएगा L, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन था। एक देखिए ये था उत्तर कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में शायद करेक्ट ना हो क्योंकि उस बच्चे ने थोड़ा सोच समझ के ऐसे ही बताया था, तो देख लीजिए। एक तो था इसमें इससे देश की रक्षा होगी, और एक था देश के लिए हानिकारक होगा। तो आप ये बताइए अगर कोई भी देश अपने देश में परमाणु बम बना रहा है, ठीक है, तो वो देश के लिए तो हानिकारक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो देश की सेफ्टी के लिए बनाएगा, तो मेरे हिसाब से तो पहले वाला राइट होना चाहिए। बाकी अपना भी जो भी आपका ओपिनियन हो, जो भी इसका राइट आंसर हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
बस रीजनिंग के दोस्तों यही क्वेश्चंस मिल पाए थे। देखिए अपनी तरफ से मैं कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करके लाऊं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपसे को कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। ठीक है, मैथ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल यही आपके टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम से एक से दो क्वेश्चन, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन, ठीक है, एज से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं था, एसआई से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, ट्रेन से एक क्वेश्चन था, बोर्ड मास के तीन क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस से दो क्वेश्चन थे, टिग्नोमेट्री से भी आपके दो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये कुछ आपका था पैटर्न, तो इसे जरूर समझा करें, जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ना इसको जरूर देख लिया करें, क्योंकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ये सब कुछ देखना। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल डिटो ये था कि अरुण ने 2775 की एक चीज़ खरीदी, कोई वस्तु होगी खरीदी उसने और उसे 17% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के दो क्वेश्चन थे, एक तो ये था आपका, ठीक है, जिसमें सेलिंग प्राइस आपको दी थी ये, ठीक है, 2775 प्रॉफिट उसमें और था 17% का, और सेलिंग प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी 117, तो सीपी पूछी थी। ठीक है, यहाँ पे सीपी आपसे पूछ, सॉरी यार ये छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पे सीपी नहीं एसपी पूछेंगे ना, ये सीपी तो दे रखी है, अरुण ने 2775 की चीज़ खरीदी तो सीपी तो दे रखी है, क्योंकि जो चीज़ खरीदी जाती है वही तो सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस यानी कि, ठीक है, लागत, तो ये उसकी लागत है, सीपी तो दे रखी है, सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। तो आपको पता चल गया कि इस पे 17% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो जब आप इस पे 17% का प्रॉफिट कमाएंगे, देखिए कैलकुलेशन भी आपकी रॉन्ग हो रखी थी, तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू होगी आपकी ये 100% की वैल्यू होगी, तो 100 से डिवाइड करेंगे और 117 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, समझे आप इस बात को। वो जो इससे पहले कैलकुलेशन थी उसको मैंने इरेज कर दिया, तो उसको मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए थोड़ी जल्दी जल्दीबाजी में ये ऐसी चीज़ें हो जाती है, यहाँ पे मैंने एसपी सीपी लिखा ना, तो सीपी के अकॉर्डिंग ये वर्क कर दिया था, तो यहाँ पे सीपी तो आपको दे रखी है ये, अगर सीपी ये है तो आप समझ सकते हैं कि 100% की वैल्यू होगी। ठीक है, सीपी जो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस जो लागत होती है, क्रय मूल्य होता है, वो हमारा 100% होता है, तो ये तो आपका 100% की वैल्यू हो गई। आपको निकालनी कौन सी, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, तो ये आपका 117% की वैल्यू निकालनी है, तो 2775 को आप 100 से भाग करेंगे और 117 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, इसे करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका कि ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, और सी किसी काम को 14 दिन में कर लेता है, अगर यहाँ पे बी और सी से वर्क कराया जाए तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। तो ये भी क्वेश्चन था आपका, भाई देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन था मुझे भी पता है वो रॉन्ग हो रखा था, तो उसे थोड़ा सा माइंड मत करिएगा कि अभी नीचे आप कमेंट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 168 जो आ गया इनका एलसीएम आ गया, ये टोटल यूनिट वर्क आ गया। ठीक है, अगर आपको कई बार क्या होता है एलसीएम नहीं लिया जाता है उस टाइम पे, तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी वैल्यू रख सकते हैं जो इन तीनों से भाग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रख लिया 168, तो 168 को मैंने 60 से डिवाइड किया, तो कितना है ए का 28 यूनिट वर्क, यानी कि ए जो है एक दिन में 28 यूनिट वर्क करता है। 168 को 8 से डिवाइड किया तो बी एक दिन में 21 यूनिट वर्क करता है, और 168 को 14 से डिवाइड किया तो सी एक दिन में 12 यूनिट वर्क करता है। अभी वर्क हमें किससे कराना है, बी और सी से, तो बी और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं, 33 यूनिट वर्क कर सकते हैं। टोटल यूनिट आपका है 168, तो 33 से डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट ये आपका 5 डेज आ जाएगा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और था आपका यहाँ पे, देखिए ये था कि 1125 में खरीदी हुई चीज़ पर 16% का घाटा होता है तो कितने में बेची गई है, यानी कि आपको उसकी सेलिंग प्राइस बतानी है, यानी कि इतने में खरीदी गई चीज़ को 16% के घाटे पे बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया ये वाली वैल्यू कितनी होती है, सेलिंग प्राइस 100% की वैल्यू होती है, इसमें आपका 16% का घाटा हुआ, 16% का घाटा मतलब आपका 100% में से माइनस करेंगे 16 को तो कितना आएगा 84, तो आपकी जो इसे सेल करने के बाद में 16% का घाटा होगा वो 84% की वैल्यू बचेगी, तो उसको निकालना है आपको। ठीक है, तो 1125 को 100 से भाग करेंगे क्योंकि ये तो 100% की वैल्यू है, और गुणा कर देंगे 84 से क्योंकि हमें 84% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा आपका 945 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था, एक था आपका स्क्वायर रूट से, देखिए 5776 का आपका स्क्वायर रूट बताना है, तो यहाँ पे दो पेयर बनाएंगे, दो पेयर जो बच गए उनका अलग बनाएंगे, इन दो पेयर में आपको 6 देखना है किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 और 6 के में आता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 और 6 के में आता है तो आपने इतना कर लिया, अब इसको देखना है ये किससे छोटा स्क्वायर है, यानी कि इससे छोटा किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर होता है इससे छोटा, ठीक है, यानी कि 49, इससे बड़ा हो करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 64, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर का पहला पार्ट आ चुका है 7। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे
चार रखे छह रखे बाद में, तो चार छह रखने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये आपने किया सात का स्क्वायर और ये किया आठ का स्क्वायर। अब ये देखिए जो 57 है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 57 ज़्यादा नज़दीक आपका किसके है, 64 के है, 64 बड़े वाली अमाउंट है तो बड़े वाली, अगर यहाँ पे 49 के ये ज़्यादा पास में होता तो यहाँ पे छोटे वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे 76 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपके। एक क्वेश्चन था कि ए और बी की आयु दे रखी थी, सॉरी रेशो दे रखा था यहाँ पे 7:3 का, और 3 साल बाद उनकी आयु का जो रेशो है वो 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी की आयु का रेशो ये था प्रेजेंट में और 3 साल बाद ये हो गया, तो अब उस यहाँ पे बताना किसकी आयु है, शायद ए की आयु या बी की आयु पूछी गई होगी। तो आपको क्या करना है, ए की आयु अभी प्रेजेंट में कितने 7x और 3x, ठीक है, तो 7x में और 3x में हमने कितना प्लस किया, 3 प्लस किया, और ये कितना हो गया रेशो अगर 3 साल बाद की बात की जा रही है, 3 मैंने प्लस किया तो 2:1 का रेशो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जो इनकी प्रेजेंट एज थी मैंने उनमें दोनों में 3 प्लस किया, तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, 3 साल बाद वाले के रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x और 3x, और यहाँ पे बराबर में कितना हो जाएगा 6x और 6। यहाँ पे x वालों को एक साइड में लेके आएंगे कितना होगा, x बच जाएगा, 7x में से माइनस x करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, a की एज कितनी आ जाएगी, 7 × 3 कर देंगे क्योंकि 7x है a की एज, तो 7 × 3 करेंगे तो 21 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आपके देखे यहाँ जीके और उससे भी पूछे गए थे, तो यहाँ पे एक तो यही था कि नैनीताल लेक कहाँ पर है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड में हो जाएगा। बैडमिंटन 2017 में अवार्ड किसने जीता, तो नोजोमी कुछ ऐसा राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है, विजय रूपानी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2018 किस मूवी ने जीता आपका, ये हो जाएगा शेप ऑफ वाटर राइट आंसर हो जाएगा। पूजा कादियान किस खेल से संबंधित है, तो आप मुझे राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रेशर फॉर्मूला पूछा गया था यहाँ पे, फोर्स अपॉन एरिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन मिल पाए हैं, बिल्कुल भी मतलब मन नहीं कर रहा है एनालिसिस करने का, इतनी मेहनत करने के बाद में ये क्वेश्चंस मिले हैं ना, आप सोच नहीं सकते। यहाँ पे नेक्स्ट आपका रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं आपका 46, और एक था आपका सोलर पावर किसका बनना होता है, तो ये भी कुछ क्वेश्चंस थे, देख लीजिएगा एक बार यार आप सर्च करके। ठीक है, और उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी तो आपको मिल जाएगा, और अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको शाम तक सारी पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।